नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले इम्प्रूविंग कवरेज एंड कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। तो सेलुलर सिस्टम में कैसे हम कवरेज को बढ़ा सकते हैं, कवरेज में सुधार ला सकते हैं, कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कम्प्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्प्रूविंग कवरेज एंड कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। एज द डिमांड फॉर द वायरलेस सर्विस इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ चैनल्स असाइंड टू अ सेल बिकम्स इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूजर्स। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती है वायरलेस सर्विस के लिए, तो नंबर ऑफ चैनल्स जो असाइन किए जाते हैं सेल को, वो इनसफिशियंट रह जाते हैं, कम पड़ जाते हैं टू सपोर्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूजर्स, जो यूजर उपयोग करता है, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रदान करने के लिए इनसफिशियंट रह जाते हैं हमारे चैनल्स जो असाइन किए जाते हैं सेल को। ठीक है, टेक्निक्स टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम। तो अब टेक्निक्स की बात करते हैं, तकनीकों की बात करते हैं, जो हमारी क्या कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती है कैपेसिटी को, बढ़ा सकती है सेलुलर सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेल स्प्लिटिंग, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेस स्टेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो सेल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, सेल को विभाजित कर देना, बहुत सारे सेल्स बना देना। ठीक है, सेल को विभाजित करके, स्प्लिट करके, जिससे क्या होगा, हमारा बेस स्टेशन हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे और जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। सेक्टोरिंग की बात करें, क्षेत्रीकरण की बात करें, रिलाइज ऑन द बेस स्टेशन एंटीना प्लेसमेंट। तो बेस स्टेशन का जो एंटीना प्लेसमेंट है उस पर निर्भर करता है हमारा। इंप्रूविंग द कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग को चैनल इंटरफेस, ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा कैपेसिटी को चैनल इंटरफेस को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, कवरेज जोन या फिर माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट द कवरेज ऑफ अ सेल एंड एक्सटेंड द सेल बाउंड्री टू रीच प्लेसेस। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा जो कवरेज ऑफ सेल है उसको। ठीक है, और एक्सटेंड कर देगा, विस्तारित कर देगा हमारी सेल की बाउंड्री को, जहां पर हमारे हार्ड टू रीच प्लेसेस, जहां पर हमारा कवरेज नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्लियर है बात, तीनों को एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल स्प्लिटिंग। सेल स्प्लिटिंग इज द रिसाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एरियाज। तो जो हमारा सेल का एरिया है उसको रिसाइज करना है, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग हाईली कंजेस्टेड सेल इनटू स्मॉलर सेल्स। तो ये प्रोसेस प्रक्रिया है एक सब डिवाइड करने की, मतलब विभाजित करने की, जो हाईली कंजेस्टेड हमारे सेल्स हैं, जो भरे हुए हमारे सेल्स हैं, जो भीड़ वाले हमारे सेल्स हैं। ठीक है, जो घने हमारे कंजेस्टेड, घनत्व वाले हमारे सेल्स हैं, कंजेस्टेड है, उनको क्या कर देना, स्मॉलर छोटे छोटे सेल्स में विभाजित कर देना विद देयर ओन बेस स्टेशन। और हर एक सेल का खुद का बेस स्टेशन होगा एंड अ सेट ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसी, और उनकी खुद की सेट ऑफ चैनल फ्रीक्वेंसीज होगा। ठीक है, नीड फॉर सेल स्प्लिटिंग की बात करें, तो सेल स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन अ सेल रीचेस द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विशिंग टू मेक अ कॉल इक्वल्स द नंबर ऑफ चैनल इन द सेल। तो जितने सब्सक्राइबर, ग्राहक हमारे जो कॉल करना चाहते हैं, अगर वो नंबर हमारा चैनल जो अवेलेबल है सेल में उसके बराबर हो जाए, जिससे हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रीच हो जाएगी, पहुंच जाएगी, तो तब हमें क्या होती है, जरूरत होती है सेल स्प्लिटिंग की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रैफिक लोड ऑफ द सेल। तो जब बराबर हो जाएगा नंबर, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम ट्रैफिक लोड ऑफ सेल। ठीक है, ट्रैफिक जो हमारा सेल है उस पर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक का जो लोड हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट की बात करें, जरूरत क्यों है हमें सेल स्प्लिटिंग की, सेल स्प्लिटिंग एरियाज, सेल एरियाज क्रिएट न्यू सेल्स। तो सेल एरिया को अगर स्प्लिट करेंगे, विभाजित करेंगे, नए सेल्स बनेंगे, विच इंक्रीज द चैनल कैपेसिटी, जो कैपेसिटी को बढ़ाएंगे चैनल की, एंड हैज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे इसे। ठीक है, सेल स्प्लिटिंग प्रोवाइड एन ऑर्डरली ग्रोथ इन सेलुलर सिस्टम। तो सेल स्प्लिटिंग हमें क्या करता है, प्रदान करता है, ऑर्डरली ग्रोथ को प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है हमारे सेलुलर सिस्टम में। ठीक है, बट द डिसएडवांटेज इज इट रिक्वायर मोर बेस स्टेशन ट्रांसफर पर कॉल हैंड ऑफ। तो हर एक कॉल जो हैंड ऑफ होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हर एक बेस स्टेशन की, ज्यादा बेस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सेल्स को डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे, सब डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे सेल बना दें, उसके लिए हर एक सेल के लिए बेस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इस बेस स्टेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और बेस स्टेशन ट्रांसफर पर कॉल पर हैंड ऑफ में हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दिस रिजल्ट इन हाई प्रोसेसिंग लोड पर सब्सक्राइबर। इससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा हाई प्रोसेसिंग लोड हो जाएगा पर सब्सक्राइबर पर, हर एक उपयोगकर्ता पर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ सेल स्प्लिटिंग। सेल स्प्लिटिंग यहाँ पर दर्शा रखी है, ये हमारा क्या है, मैक्रो सेल है, जो बड़े वाले सेल दिख रहे हैं आपको ये वाले। ठीक है, जो छोटे सेल दिख रहे हैं ये आपके क्या है, मिनी सेल है, और बिल्कुल जो व्हाइट में दिख रहे हैं आपको ये माइक्रो सेल है। इस तरीके से हम सेल्स को डिवाइड कर देते हैं, सेल स्प्लिट कर देते हैं। क्लियर है बात, लार्जर सेल्स आर कॉल्ड मैक्रो सेल्स, लार्ज सेल मैक्रो सेल कहते हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेल, जिनको छोटे सेल में डिवाइड किया जाता है, जिनको मिनी सेल बोला जाता है, विच आर फर्दर डिवाइडेड, जिनको फिर से डिवाइड किया जाता है, मैक्रो फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो सेल। यहाँ पे क्या आएगा, माइक्रो आएगा, यहाँ पर
सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर क्या आएगा माइक्रो, ठीक है ये गलत है, यहाँ पर माइक्रो कर लीजिएगा इसको। तो पहले क्या होगा मैक्रो सेल होंगे, मैक्रो सेल को डिवाइड किया जाएगा मिनी सेल में और मिनी सेल को डिवाइड किया जाएगा माइक्रो सेल में, ठीक है। एज ट्रैफिक डेंसिटी इंक्रीज, जैसे ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगी मतलब ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा उपयोगकर्ता हमारे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसको डिवाइड किया जाएगा। ईच टाइम अ सेल इज स्प्लिट इट्स ट्रांसमिटेड पावर इज रिड्यूस्ड, जैसे हमारे सेल को स्प्लिट किया जाएगा उसकी ट्रांसमिटेड पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सेल हमारा क्या होगा छोटा हो गया, तो उसकी ट्रांसमिटेड उस सेल के अंदर ही रहेगी, ठीक है। द सेल स्प्लिटिंग इंक्रीजेज द चैनल कैपेसिटी ऑफ द सेलुलर टेलीफोन सिस्टम बाय रीस्केलिंग द सिस्टम, तो जो हमारा सेल स्प्लिटिंग है उससे क्या हो जाएगा, हमारे चैनल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीपल हमारे यहाँ पर सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल हम कवरेज कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कवरेज कर सकते हैं। पहले हमारे पास यही सेल्स थे, मान लीजिए इतने सारे सेल्स थे, अब उनको हमने और डिवाइड कर दिया, फिर और डिवाइड कर दिया, तो इससे जो कवरेज है हमारी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, ज्यादा उपयोगकर्ता है हमारे यूज कर पाएंगे हमारे चैनल को, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया, तो हर एक पर यूनिट एरिया में हमारे जो नंबर ऑफ चैनल्स है वो भी बढ़ जाएंगे, अवेलेबल चैनल्स है इसको सेल स्प्लिटिंग की मदद से, तो इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो कवरेज है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी हमारी, ठीक है, उसमें सुधार आ जाएगा। सेकंड बात करें सेल सेक्टोरिंग, मतलब क्षेत्रीकरण करना, सेक्टर करना, ठीक है, सेल का सेक्टोरिंग यूजिंग डायरेक्शनल एंटीनाज रिड्यूसेस को-चैनल इंटरफेरेंस इन सेलुलर सिस्टम, तो सेक्टोरिंग में क्या होता है डायरेक्शनल एंटीना का इस्तेमाल करके को-चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जाता है। अगर आपको को-चैनल इंटरफेरेंस का नहीं पता, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी इंटरफेरेंस की, उसको देखिए, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है, देयर बाय इंक्रीजिंग सिस्टम कैपेसिटी, तो इससे हमारी जो सिस्टम की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी को-चैनल इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ द इंटरफेरेंस रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सेक्टोरिंग एम्प्लॉयड, तो जो एक्सटेंट है कितने एक्सटेंट में हमारी इंटरफेरेंस कम होगी, कितनी मात्रा में एक तरह से कम होगी, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, डिग्री ऑफ सेक्टोरिंग पर, कितनी डिग्री हम इस्तेमाल करें सेक्टोरिंग की। तो सेल्स आर टिपिकली पार्शन इनटू थ्री 120 डिग्री सेक्टर, तो सेल जो हमारे आमतौर पर जिनका विभाजित किया जाता है, हमारा सेक्टर किया जाता है, क्षेत्रीकरण किया जाता है एक तरह से, वो 120 डिग्री हमारे सेक्टर्स में किया जाता है, तीन 120 डिग्री सेक्टर बना दिए एक सेल में, ठीक है, या फिर 660 डिग्री सेक्टर्स, या तो 660 डिग्री के सेक्टर बना दिए क्षेत्रीकरण कर दिया, या फिर हमारे 120 डिग्री के तीन बना दिए, इस तरीके से इनका पार्शन किया जाता है, ठीक है, इनका विभाजित किया जाता है इनको। विद सेक्टरिंग चैनल्स विद इन अ सेल आर एलोकेटेड टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, तो सेक्टरिंग के साथ हमारे क्या किया जाता है, जो चैनल्स है हमारे एक सेल के अंदर वो एलोकेट किया जाता है, आवंटित किया जाता है स्पेसिफिक सेक्टर्स को, मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम नेबरिंग सेल, जिससे जो नेबरिंग जो पड़ोसी सेल है उनसे इंटरफेरेंस जो बाधा है, जो व्यवधान जो रुकावट है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल विद 120 डिग्री सेक्टर्स अ 7 सेल रीयूज पैटर्न द नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग सेल्स डिक्रीज फ्रॉम 6 to 2, ठीक है, तो जो हमारे इंटरफेयरिंग सेल्स है उसकी मात्रा 6 से क्या हो जाती है 2 पे आ जाती है हमारी 120 डिग्री अगर सेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और 7 सेल रीयूज पैटर्न की मदद से, ठीक, रिजल्टिंग इन अ बेटर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, जिससे जो हमारा परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो होगा वो बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्रूवमेंट फैसिलिट अचीविंग द रिक्वायर्ड सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो मोर इजली, तो ये जो इंप्रूवमेंट होगी, जो सुधार होगा, ये फैसिलिट करेगा, सुविधा प्रदान करेगा अचीव करने में रिक्वायर्ड जो सिग्नल टू इंटरफेरेंस है उसको आसानी से, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ेगी बाय अप्रोक्सीमेटली 1.7 times हमारी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारी कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टरिंग किस प्रकार से कर रखे हैं, यहाँ पर अगर 120 डिग्री करेंगे एक सेल की तो तीन हिस्से हो जाएंगे यहाँ पर 120 डिग्री के, अगर 60 डिग्री के करेंगे तो 6 हिस्से हो जाएंगे, क्लियर है बात। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारा माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट या फिर कवरेज जोन। सेक्टरिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ हैंड ऑफ, तो सेक्टरिंग अगर हम करेंगे तो सेक्टरिंग से जो हैंड ऑफ हो जाएगा उसका नंबर में इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। स्ट्रेनिंग द स्विचिंग, जिससे हमारा स्विचिंग है उस पर दबाव पड़ेगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। एंड कंट्रोल लिंक, स्ट्रेनिंग स्विचिंग और कंट्रोल लिंक पर पड़ेगा एलिमेंट्स पर ऑफ द मोबाइल सिस्टम, तो मोबाइल सिस्टम का जो कंट्रोल लिंक एलिमेंट्स है, स्विचिंग है, उन पर स्ट्रेन होगा हमारा, ठीक है। इन दिस स्कीम मल्टीपल जोन्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल बेस स्टेशन, तो ये जो स्कीम हमारी माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट की, इसमें स्कीम में हमारा क्या होगा, मल्टीपल जोन्स होंगे जो हमारे वो कनेक्टेड होंगे एक सिंगल बेस स्टेशन से, शेयर करेंगे सेम रेडियो इक्विपमेंट को, सेम जो रेडियो का उपकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे मल्टीपल जो जोन्स होंगे एक सिंगल बेस स्टेशन कनेक्टेड होंगे। ईच जोन प्लेस्ड एट द आउटर एज ऑफ अ सेल, हर एक जोन में हमारा क्या होगा, प्लेस्ड होगा आउटर एज पर, कोने पर हमारा सेल के, सर्व्स द मोबाइल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, जो सर्व करेगा मोबाइल को स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल के साथ एज इट ट्रेवल्स विद इन द सेल, जैसे वो सेल में ट्रेवल करेगा। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको देखेंगे। अनलाइक सेक्टोरिंग वेयर हैंड ऑफ आर रिक्वायर्ड बिटवीन सेक्टर्स, तो सेक्टरिंग के विपरीत हमारा जो जहां पर हैंड ऑफ होता है, हमारा जरूरत पड़ती है सेक्टर्स में हमारे
मोबाइल रिटेन द सेम चैनल एज दे मूव बिटवीन जोन्स, तो जो मोबाइल है वो क्या रखेगा, हमारा सेम चैनल रखेगा जैसे जैसे मूव करेगा अलग अलग जोन्स में, ठीक है। तो इसमें हमारे हैंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सेक्टरिंग में जैसे पड़ती है हमारी। Host channel interference is reduced as a large central base station is replaced by several lower power transmitter at the cell edges. तो जो host channel interference है वो कम हो जाएगी क्योंकि एक large जो central base station है हमारा उसको replace कर दिया जाएगा इसमें several lower power के जो हमारे transmitters हैं उनको cell edges पर रखता है, cell के कोनों पर रखकर, ठीक है। This decrease in interference improves signal quality and increase system capacity. तो ये जो interference में जो रुकावट बाधा में हमारा क्या हो जाएगा, कमी आएगी, उससे जो हमारे सिग्नल की जो क्वालिटी गुणवत्ता वो बढ़ जाएगी और जो सिस्टम की कैपेसिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक बेस स्टेशन है जो क्या करेगा, यहाँ पर जोन सेलेक्टर जोन को सिलेक्ट करेगा, अलग अलग जोन बने हुए हैं, मान लीजिए गोले में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एजेस पे हमारे क्या है, ट्रांसमीटर रिसीवर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ट्रांसमीटर रिसीवर सभी कोनों पर रखे हुए हैं हमारे सेल के एजेस पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जोन सेलेक्टर हमारा जोन सेलेक्ट करेगा जहां पर भी जरूरत होगी, जहां पर भी जिस मोबाइल स्टेशन को हमारी जरूरत होगी, मोबाइल यूजर को जरूरत होगी, हमारे उपयोगकर्ता को जरूरत होगी हमारी, वहां पर उसी सेल जोन में हमारा क्या करेगा, बेस स्टेशन हमारा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, ठीक है। इससे हमारे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटरफेरेंस कम होगी, क्लियर है बात। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था, इंप्रूविंग द कवरेज एंड कैपेसिटी ऑफ द सेलुलर सिस्टम, क्लियर है बात। तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा से कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।